हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भावना सिंह है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का मॉड्यूल इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हम सप्लाई चैप्टर के अंदर प्राइस इलास्टिसिटी, कैसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में। तो हमें पता है कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पैरेलल चलते हैं, यानी कि एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो जो डिमांड है वो पॉइंट आउट करता है रिएक्शन ऑफ पर्टिकुलर कंज्यूमर्स का होता है, और यहाँ पे सप्लाई के अंदर सेलर्स का रिएक्शन हम देखते हैं अगर हमारा प्राइस ऑफ द कमोडिटी के अंदर चेंज आ जाए। यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सप्लाई के अंदर क्या देखा जाता है, इट पॉइंट्स आउट द रिएक्शन ऑफ द सेलर्स। जो सेलर्स का क्या रिएक्शन है किसी भी पर्टिकुलर चेंज के अंदर, जब भी प्राइसेस किसी भी कमोडिटी के बढ़ेंगे या कम हो जाएंगे तो सेलर्स का क्या रिएक्शन होगा, ये ही बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यानी ये एक्सप्लेन करता है क्या क्वांटिटेटिव चेंजेस हैं। क्वांटिटेटिव मतलब, क्वांटिटेटिव मैं क्यों कह रही हूँ, हमें पता है कि रिएक्शन जो है क्वालिटेटिव होते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटी के टर्म्स में बात करेंगे, हम बात करेंगे क्वांटिटी यानी न्यूमेरिकल टर्म्स में, इसीलिए मैंने क्वांटिटेटिव बोला। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो एक्सप्लेन करेगा क्वांटिटेटिव चेंजेस इन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू द गिवन चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द अदर कमोडिटी, या फिर प्राइसेस ऑफ आर कमोडिटी, सॉरी। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, क्या डिग्री, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ supply of a commodity with respect to change in the price of such commodity। now methods क्या होते हैं price elasticity को measure करने के, there are two methods। first method is percentage method, second method is geometric method। percentage method and geometric method, तो हम method, इन दोनों methods को detail में अब हम discuss करेंगे। first is percentage जो है वो method, कैसे calculate करेंगे उससे हम price elasticity of supply। जैसे जैसे कि price elasticity of demand होता है, वैसे ही most common method होता है इसके अंदर भी यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने का भी परसेंटेज मेथड ही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, और परसेंटेज मेथड ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी मेजर करने का सबसे कॉमन मेथड होता है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोपोर्शनेट मेथड। इसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, इलास्टिसिटी जो है मेजर करी जाती है एज द रेशियो, रेशियो की टर्म्स में, ऑफ व्हाट, ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इस तरह से क्वांटिटी सप्लाई इन दोनों की जो रेशियो है, इनसे ही हम परसेंट यानी इससे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालते हैं कि एस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाली जाती है। नाउ अब हमें पता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या मतलब हुआ, मतलब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि क्या चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय जो इनिशियल क्वांटिटी हमारी थी, विच इज़ इनिशियल क्वांटिटी इंटू 100, यही तो हुआ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय इनिशियल क्वांटिटी सप्लाइड जो चेंज हुआ, या और इनिशियल क्वांटिटी सप्लाई जो हमने की इंटू 100, यही हुआ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और चेंज इन प्राइस का क्या मतलब हुआ, चेंज इन प्राइस का तो यही मतलब हुआ, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या हुआ, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस यानी इनिशियल प्राइस इंटू 100, यही हुआ। अब इसमें भी चेंज का क्या मतलब होता है, चेंज का मतलब होता है जो इनिशियल क्वांटिटी, मान लीजिए हमारी चेंज इन क्वांटिटी का क्या मतलब हुआ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का ये मतलब हुआ ना कि हमारी जो नई क्वांटिटी है उसमें से अगर पुरानी क्वांटिटी हम माइनस कर दें तो हमारा चेंज आ जाएगा, यानी न्यू क्वांटिटी माइनस
इनिशियल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय व्हाट, इनिशियल क्वांटिटी, ये इनिशियल क्वांटिटी तो है विच इज क्यू एस, ये न्यू क्यू एस है विच इज क्यू एस वन, इसको हम क्यू एस वन कह सकते हैं, यहाँ इसको हम क्यू एस कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों इनिशियल हैं। नाउ प्राइस क्या हो गया, प्राइस भी ये हो गया कि न्यू प्राइस विच इज पी वन माइनस ओल्ड प्राइस, ओल्ड प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस जो पहले हमारा था, इनिशियल प्राइस, सॉरी इनिशियल लगा इसे, इनिशियल प्राइस विच इज पी डिवाइडेड बाय द इनिशियल प्राइस। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है परसेंटेज मेथड का, क्या होता है, परसेंटेज मेथड का फॉर्मूला होता है। अब इसी परसेंटेज मेथड को अगर हम कन्वर्ट करें प्रो प्रोपोर्शनेट मेथड में, प्रो प्रोपोर्शनेट यानी प्रोपोर्शनेट मेथड में, इसके अंदर हम कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम कैसे बताएंगे, यानी प्रोपोर्शनेट मेथड में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने ये बता दिया दिस थिंग। इसी चीज़ को अगर हम ढंग से सॉल्व करें, विच इज़ इसको अगर मैं लिख दूँ, क्या है ये चेंज इन, सॉरी इस चीज़ को अगर मैं लिख दूँ चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू 100 ऑन चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस इनटू 100, ये लिखा हुआ है, इसको 100 से 100 कट हो जाएगा। नाउ ये क्या हो गया, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इनटू, ये हो जाएगा प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस, ये हो जाएगा। अब इसको ढंग से सजा लेते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इज इक्वल इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो ये जो है ये हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड का हमने कन्वर्ट कर दिया। अब तो प्रोपोर्शनेट मेथड में हम इस तरह से बोलते हैं और परसेंटेज के टर्म्स में हम इस तरह से बोलते हैं, परसेंटेज के टर्म्स में हम इस तरह से बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट के टर्म्स में हम इस तरह से बोला जाता है कि ये है हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड। नाउ ये हमने प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज मेथड को बता दिया। इसी चीज़ को अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो कैसे समझाया जाएगा। नाउ सपोज एक प्राइस जो है हमारा 10 रुपये का है पर यूनिट, 10 रुपये के प्राइस पे, यानी प्राइस ऑफ ₹10 पर यूनिट एक फॉर्म सप्लाई कर रही है किसी भी, मतलब 50 यूनिट सप्लाई कर रही है, 50 यूनिट्स सप्लाई कर रही है, और जब प्राइसेस वो हम 12 रुपये पर यूनिट पे लगा दिया उसने, तो फर्म जो है अपनी सप्लाई बढ़ा रही है, 70 यूनिट्स कर रही है। तो अब आप प्राइस इलास्टिसिटी बताइए उस सप्लायर की, प्राइस इलास्टिसिटी बताइए यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताइए। नाउ हम कैसे बताएंगे प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी में हमने ये देखा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हुआ, क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज हुआ, कितना हुआ, यानी 70 माइनस 50, 20 चेंज आया, 20 यूनिट्स का चेंज आया क्वांटिटी सप्लाई में, ये तो क्वांटिटी थी, इस क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया, 20 यूनिट्स का चेंज आया, इनिशियली ये थी, न्यू ये है, यानी न्यू माइनस इनिशियल को हमने निकाल लिया, ठीक है, चेंज इन ये 20 हो गया। अब हम इसके इसके डिनोमिनेटर में हम इनिशियल को रख देंगे विच इज़ 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, ये अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, या 50 से 2 ये 40 आ जाएगा डायरेक्ट, ये 40% का क्या हुआ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई हुआ, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल लिया हमने, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकाल लिया हमने। नाउ परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या हो गया, चेंज इन प्राइस कितना हुआ, प्राइस में कितना चेंज आया, 2 रुपये का चेंज आया, 2 रुपीज़ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस क्या था, 10 रुपीज़ इंटू 100। नाउ इसको हम देखें तो 20% का चेंज आया, 20% का चेंज का क्या मतलब है, चेंज इन प्राइस हो गया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो गया, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हुआ हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हुआ हमारा 40% डिवाइडेड बाय 20% इज इक्वल्स टू 2, 2 हुआ हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, पॉजिटिव होती है। सो फार हमने देखा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इक्वल है, अभी तक हमने यही देखा है। हाउएवर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऑलवेज पॉजिटिव,
ऑलवेज पॉजिटिव होगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सॉरी हाउ एवर नेगेटिव हो सकती है लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा पॉजिटिव होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके क्योंकि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के अंदर। प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई के अंदर क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है इस वजह से। बल्कि प्राइस और डिमांड के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट अपोजिट रिलेशनशिप है उनकी, तो उस वजह से वहाँ पे वो नेगेटिव हो सकता है। ये आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं अभी मैंने वो बताया। नाउ मैं आपको बताती हूँ ज्योमेट्रिक मेथड, परसेंटेज मेथड से समझाया, अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मेथड से कैसे निकालते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक सेकेंड, हाँ जी, ज्योमेट्रिक मेथड के लिए हमें पता है अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड इलास्टिसिटी जो है मेजर होती है एट अ गिवन पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो हम बनाते हैं उसके किसी भी एक गिवन पॉइंट पर हम मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, इलास्टिसिटी को। और इसीलिए ज्योमेट्रिक मेथड को हम क्या कहते हैं, उसको हम मेथड को हम क्या कहते हैं, इसको हम आर्क मेथड कहते हैं। आर्क मेथड कह सकते हैं या फिर पॉइंट मेथड कह सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी ढूंढते हैं ग्राफ के ऊपर, जो हमारा ग्राफ बनता है सप्लाई कर्व का उसके ऊपर पॉइंट मेथड भी कहा जाता है। तो मेजरमेंट जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की फॉर द सप्लाई कर्व, मान लीजिए मैं आपको एक तरह से समझाती हूँ, एक ग्राफिकली समझाती हूँ। अब हमने एक सप्लाई कर्व यहाँ पे रन अप किया, ये सप्लाई है SS, ये क्वांटिटी, क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस, प्राइस बढ़ गया, ये ओरिजिन था हमारा, मान लीजिए ये ए बी है, ये सी है। पहले मैंने बना दिया इसका पूरा का पूरा जो ग्राफ है, फिर अभी आपको समझाती हूँ। ये एक्स एक्सिस है विच इज़ क्वांटिटी सप्लाइड, और ये क्या है हमारी वाई एक्सिस है विच इज़ प्राइस। नाउ यहाँ पे जो पॉइंट ए है फिगर के अंदर, एट द पॉइंट ए जो प्राइस है ओपी है, हमें पता है इस पॉइंट के पास हमारा प्राइस क्या है, ओपी है, और क्वांटिटी सप्लाइड क्या है हमारे पास, ओक्यू है। जब प्राइस हमारा बढ़ जाएगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस हमारा बढ़ जाएगा, प्राइस ओपी वन हो जाएगा और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई कर्व की प्रॉपर्टी है, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड ओक्यू वन हो जाएगी। तो सप्लाई कर्व जो है इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वाई एक्सिस से एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सो दैट इसलिए एक्सटेंड हमने किया है सप्लाई कर्व को कि वो हमारी एक्स एक्सिस को मीट कर जाए। क्यों? एक्स एक्सिस को मीट कर जाए। वो मीट किस पॉइंट पर कर रहा है, इस एल पॉइंट पर कर रहा है। नाउ एट पॉइंट ए जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, पॉइंट ए के ऊपर तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, एट पॉइंट ए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। पॉइंट ए के ऊपर मान लीजिए हमारी ये है जो अभी हमने परसेंटेज मेथड में डिस्कस किया था, प्रोपोर्शनेट मेथड में इसी तरह से निकल के आया था, चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। नाउ इसी डायग्राम से अभी हमने देखा कि जो चेंज इन क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, विच इज़ पहले हमारी इतनी क्वांटिटी थी, अब हमारी इतनी बढ़ गई है। ए पॉइंट की बात करें, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, यानी कितना चेंज हुआ, क्यू क्यू डैश का चेंजेस हुआ, क्यू क्यू डैश चेंज इन प्राइस कितना हुआ, पहले हमारा प्राइस ओपी था, अब ओपी वन हो गया है, यानी कि पी पी डैश का हमारा प्राइस चेंज हुआ है, पी पी डैश का। पहले कितना प्राइस था हमारा, ओरिजिनल प्राइस था ओपी और ओरिजिनल क्वांटिटी ओक्यू। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, पॉइंट ए के ऊपर हमारी ये आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। लेकिन हमें पता है क्यू वन जो है वो क्या है, वो ए सी के बराबर है, क्या है, सॉरी क्यू क्यू वन जो है हमारा ए सी के इक्वल है, यानी ये जो है और ये जो है ये इक्वल होगा ऑब्वियसली। तो क्यू क्यू वन या डैश जो भी है इसको हम ए सी के इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली पी पी वन जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल हो सकता है, बी सी के इक्वल होगा डिवाइडेड बाई पी सी। और यहाँ पे क्या होगा, ओ पी क्या है, ओ पी हमारा ए क्यू के इक्वल है, ए क्यू,
और ओ क्यू क्या है, ओ क्यू हमारा ओ क्यू को हम ओ क्यू लिख देते हैं। नाउ जो ट्राइंगल है बी ए सी, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें और यानी कि इस ट्राइंगल को देखें और ट्राइंगल ए एल क्यू को देखें, ए एल क्यू यानी इस ट्राइंगल को, इस पूरे इसको और इस ट्राइंगल को देखें, तो हमने क्या दिखाया कि ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, क्योंकि ऑन द जो अगर आपने ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, कॉन्ग्रुएंसी का रूल्स, जब सिमिलर ट्राइंगल्स का रूल्स आता है, तो ट्रिपल ए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेशियो, इनकी साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होगा, इनकी जो साइड्स है उनका रेशियो भी इक्वल होगा। अब मान लीजिए इनका रेशियो इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ए सी डिवाइडेड बाई बी सी, विच इज़ ए सी डिवाइडेड बाई बी सी क्या होने वाला है, एल क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू, है ना, एल क्यू ए सी, ए क्यू बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या है हमारे, सिमिलर है, कौन सी प्रॉपर्टी के, ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, ट्राइंगल्स की ट्रिपल ए प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे इक्वल आ जाते हैं। और इसी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियोज सेम होंगी, साइड सेम नहीं होंगी, इनकी रेशियो सेम होगी, साइड्स की रेशियो सेम होने वाली है। तो अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें ये वैल्यूज़ को, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें ए सी डिवाइडेड बाई बी सी को, हम ये लिख दें, तो ये क्या होगा, इस चीज़ को हमने यहाँ पर लिखा है, तो एल क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू इंटू ए क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू, तो ए क्यू और ए क्यू कट हो जाएंगे, तो एल क्यू डिवाइडेड बाई ओ क्यू बच गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो एल क्यू क्या है हमारे पास, एल क्यू क्या हुआ, इंटरसेप्ट है ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस डिवाइडेड बाई ओ क्यू क्या है हमारे पास, ओ क्यू है क्वान्टिटी सप्लाइड एट दैट प्राइस, उस प्राइसिस पे हमने कितनी सप्लाई करी है क्वान्टिटी, यानी क्वान्टिटी सप्लाइड एट दैट प्राइस। इसी तरह से हमने ज्योमेट्रिक मेथड के थ्रू निकाल लिया। अब ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर हमने इलास्टिसिटी को निकाल लिया कि जो इंटरसेप्ट है और उसी इंटरसेप्ट के ऊपर जो हमने क्वांटिटी सप्लाई करी है उससे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकाल सकते हैं। नाउ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्योमेट्रिक मेथड के अकॉर्डिंग तीन डिफरेंट केसेस आते हैं। क्या आते हैं, तीन डिफरेंट केसेस आते हैं। पहला केस है हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व, हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व, हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व का मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन वन, यानी अ सप्लाई कर्व जो पास थ्रू हो रही है एक्स एक्सिस के थ्रू और मीट कर रही है एक्सटेंडेड वाई एक्स एक्सिस को, सॉरी वाई एक्सिस के थ्रू सप्लाई पास हो रही है और एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एट सम पॉइंट, यानी यहाँ पे एल, इसके फिगर के अकॉर्डिंग हमने एल मान लिया, इस हाईली इलास्टिक और उसकी सप्लाई कर्व जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू एल क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी, एंड एल क्यू इज ग्रेटर देन ओ क्यू, ऑब्वियसली एल क्यू ग्रेटर होगा ओ क्यू से, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंड हो रखी है उस, तो ये क्या है, अब हमें पता है सिंस एल क्यू जो है ग्रेटर है ओ क्यू से, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वन से तो ज़्यादा ही होने वाली है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, वन डिवाइडेड बाय वन होता है तभी तो वन होता है, अगर ये इससे ज़्यादा है, टू है या 1.1 कुछ भी मान लीजिए, तो यानी वन से तो ज़्यादा ही होने वाली है हमारी इलास्टिसिटी, वन से ज़्यादा होने वाली है यानी हाईली इलास्टिक होने वाली है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व जब पास हो रही हो वाई एक्सिस से पास हो रही हो और एक्स एक्सिस को मीट कर रही हो, यानी कोई नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रही हो, नेगेटिव इंटरसेप्ट बना रही हो एक्स एक्सिस पर, तो वो हाईली इलास्टिक हो जाएगी। नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब कि नेगेटिव स्लोप में जाकर एक तरह से इंटरसेप्ट बनाया उसने, पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहकर नहीं बनाया, तो क्या है ये तो क्या हो गया, हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व हो गई। नाउ सेकंड केस है हमारा यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कब होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू वन कब हो सकती है, अगर हमारी स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व ओरिजिन के थ्रू पास हो रही हो, यानी कि इस तरह का डायग्राम ओरिजिन के थ्रू पास हो रही हो, ये ओरिजिन है और ओरिजिन के थ्रू ही पास हो रही हो, तो विच इज़ प्राइस पहले ये था, प्राइस वन बढ़ गया, सप्लाई ये थी, क्वांटिटी सॉरी ये थी, क्वांटिटी सप्लाइड ये थी, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई,
now this is quantity supplied, this is price, which is this is SS. तो unitary elastic supply curve क्या होगी, एक straight line pass हुई है हमारी origin के through, और अगर हम इसको देखें तो elasticity of supply क्या होने वाली है हमारी, equal to 1 होने वाली है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, OQ divided by elasticity of supply is equals to OQ divided by OQ, OQ divided by OQ which is ये कट होकर 1 होने वाला है. तो elasticity of supply क्या है, unit elastic हो रही है supply. एक थर्ड केस बनता है हमारा लेस, ये हाईली इलास्टिक यूनिट इलास्टिक और अब लेस इलास्टिक सप्लाई. लेस इलास्टिक सप्लाई का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है लेस देन वन है, लेस देन वन है, यानी फर्दर अगर सप्लाई कर्व हमारी एक्स एक्सिस को किसी भी सम पॉइंट पे मीट करने वाली है, यानी डायग्राम के थ्रू ही समझाती हूँ इस तरह से, यानी सप्लाई कर्व हमारी एक्स एक्सिस को ओरिजिन से पहले मीट करने वाली है, एक तो होता है उसके पीछे और एक उसके फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में अगर उसको मीट करने वाली है, यानी पहले उसका प्राइस ये था, प्राइस बढ़ के ये हो गया, तो क्वांटिटी इसकी ये थी, क्वांटिटी ये हो गई. देख रहे हो आप प्राइसेस में इतना बड़ा चेंज, क्वांटिटी में इतना कम चेंज, यहाँ पे प्राइस में इतना कम चेंज, क्वांटिटी में इतना बड़ा चेंज, और यहाँ पे तो भैया सेम ही चल रहा है, ये सेम है, मतलब यहाँ पे इस तरह से मीट करना था, सेम ही चल रहा है. तो ये आप देखेंगे कि लेस इलास्टिक सप्लाई कर्व के अंदर फर्दर अगर सप्लाई कर्व मीट कर रही है एक्स एक्सिस को किसी भी सम पॉइंट पर, एक्स एक्सिस को मीट कर रही है से एल, मान लीजिए इसी पॉइंट को हम यहाँ पे एल भी ले लेते हैं, तो ओरिजिन से पहले पहले मीट कर गई उस पॉइंट को, तो ये क्या हो गया, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व हो गई. क्या हो गई, इन इलास्टिक सप्लाई कर्व हो गई, क्यों, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है यहाँ पर वो एल क्यू हो गया, एल क्यू डिवाइडेड बाय ओ क्यू डिवाइडेड, हमें पता है एल क्यू कम है, एल क्यू हमारा इसके अंदर हमारा एल क्यू इज लेस देन ओ क्यू, एल क्यू छोटा है, अगर हमारा डिनोमिनेटर ही वन है और सॉरी न्यूमरेटर वन है और डिनोमिनेटर वन से बड़ा हो गया, टू हो गया, तो ऑब्वियसली हमारा क्या कहते हैं, वन से तो हमारी कम आने वाली है, वन से कम आने वाली इलास्टिसिटी, तो यानी लेस इलास्टिक होने वाली है हमारी सप्लाई कर्व. तो ये क्या हो गया, तो इसका मतलब ये क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन वन, सप्लाई क्या है, लेस इलास्टिक है. आज हमने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ लिया क्या होती है, नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं, परफेक्ट, हाईली इलास्टिक, लेस इलास्टिक, देर आर फाइव टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ सप्लाई, एंड आई गेस उसके बाद हमारा लेक्चर खत्म ही हो जाएगा, देर इज नथिंग मोर ऑन द सप्लाई कर्व, फैक्टर्स वगैरह इफेक्ट क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैसे इफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स, उसको हम पढ़ेंगे बस नेक्स्ट एक दो लेक्चर्स में, ये सप्लाई चैप्टर खत्म हो जाएगा. थैंक यू फॉर योर टाइम प्लीज, एंड टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड विद द बी अकेडमी, एंड टेक केयर गाइज, थैंक यू.